माशाल्लाह जी मेहमान जो है बैठ चुके हैं और खाना भी रेडी हो चुका है और हम लेके आए हैं बिरयानी स्पेशल शम्मा बिरयानी। ये हो गया, ये पक रहा है मेरा। ये देखें, ये हो गया मीठे चावल। ये देखें ये मैंने आपका साफ करवाया था, फिर वही लगा दिया। क्यों? भाभी ने लगाया। कौन सी भाभी? ये देखें जी वसल बैठ, ओ भाभी बैठी है और ये वसल पड़े हैं। ए, मेरी चाची। मुझे पता था कितनी मसरूफ जा रहे हैं, वीडियो भी हमारे टाइम पे कितनी 4-4 बजे और रात के 3-3 बजे वीडियो आ रही है, मतलब हम मसरूफ इतने हैं। आप लोगों को पता है जब मेहमान घर में आए ना तो फिर नहीं होए, पतली हो गई होए। अम्मा मेरी बेगम कहाँ गई? ये कोई और आई हुई है इधर। हाँ, गुड़ वाले चावल भी आप कैसे बनाते हो? हमने वो खाने हैं। हाँ, इसके अंदर ना जो कुछ दिल करे, जो कुछ दिल करे वो कुछ सही थी, वो भी ले लिया है। और हमारे चौक पे माशाल्लाह मौसम जो है ना वो जबरदस्त बन चुका है। कह दिया हम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब, फ्रेश हो गए? इतने दूर से सफ़र करके आए तो हमें मतलब हमें फील ही नहीं हो रहा कि हमारे मेहमान हैं और हमें होने भी नहीं दे। और ये जो है ना ये है मेज़बान, ठीक है, और इधर देखें ये है मेहमान, मेहमान हमारे देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी फिर पार हो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुबला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी हमारा शाम वाला जो है व्लॉग हो गया स्टार्ट, साहब ने अपनी तैयारियां वगैरह स्टार्ट कर ली हैं, मतलब मैंने भी तैयारी कर ली, मेहमानों ने भी, और कुछ मेहमान जो हैं वो खुद काम में लगे हुए हैं और कुछ जो है ना हाँ जी, और मैं वो दिखाता हूँ आपका काम जो है ना, वो दिखाता हूँ। इधर जो है ना सलमान खान खड़े हुए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है माशाल्लाह। तो हमारा शाम वाला व्लॉग शुरू हो चुका है स्नैक के साथ कि जो मेरी बहन बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा कामिल अता फरमाए, उनकी तमाम परेशानियां अल्लाह पाक दूर करे, आमीन आमीन। तो शाम वाला व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है, शाम वाला जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह बहन भाइयों से शेयर करेंगे, रहना है हमारे साथ बिल्कुल। और ये जो है ना ये है मेजबान, ठीक है, और इधर देखें ये हैं मेहमान, मेहमान हमारे देखें वो मतलब हमें नहीं फील कर रहे कि वो कहते हैं कि हम मेहमान थोड़ी है, हमारा अपना घर है। हाँ, जब जहाँ पे बंदा रहता है इकट्ठा वहाँ मिल के करना चाहिए फिर, हाँ। ताकि ना हर बंदा आराम से बैठ सके एक साथ, बिल्कुल एक बंदे के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज तो है, ये अच्छा लग रहा है मिलजुल के करना। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल बिल्कुल। भाभी जो है इधर ये बर्तन धोने लग गई, और इनकी यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इनका यही हिसाब है, खाना आप भी कुछ खा रहे होते जिसने खा लिया बस फौरन बर्तन उठाए और धोलाई करके फिर रख दिया, मतलब ऐसा। हाँ ये तो है, लेकिन हमारे यहाँ ना ऐसे है ना कि वो मेहमान नवाजी में थोड़ा सा आ जाता है, कहते हैं कि यार मेहमान है फिर भी काम कर रहे हैं, नहीं, इसलिए ऐसी कोई बात है, हम अपने घर के बंदे और वैसे भी मेहमानी जहाँ पे भी बंदे जाए मिलजुल के करे ताकि दूसरों का एहसास भी करे ना। हाँ जी ये भी एक है, सलमा भाभी बेचारी सुबह से कामों में लगी रहती है। हाँ ये तो है, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी ऐसा ही है कि आज मेरे ख्याल दूसरा दिन है और दूसरे दिन में यही हो रहा है कि सब काम ही करे जा रहे हैं, मतलब जैसे ही फ्री होते हैं कोई खाना वगैरह खा के फिर काम में शुरू हो जाते हैं, सारा काम कंप्लीट करते हैं। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये इस्त्री ऑन है बंद है? दूर से ऐसे लग रही थी जैसे ऑन हो, वो लाइट पड़ रही थी ना ऐसे ऐसे लग रहा था। तो एक चीज़ और दिखानी थी, ये देखें, ये एक हमारा मेहमान है जो झाड़ू भी कर रहा है, इसको अंदर सफाइयाँ कर रहा है, फायदा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ना पहनो कोई बात नहीं, बस वैसे दिखा रहा हूँ। ये देखें जी इधर जो है ना ये झाड़ू लगा रही है, मतलब सफाई वगैरह कर रही है इधर, यहाँ पर बैठे थे सब, खाना वगैरह खाया
जैसे ही कचरा हुआ तो फिर सफाइयों में भी लग गए और भाभी उधर जो है वो बर्तन धोने में लग गई। मतलब इसी हिसाब से है कि टोटली घर के जो भी काम होते हैं, मैं हैरान हूँ कि इतनी दूर से सफ़र करके आए तो हमें, मतलब हमें फील ही नहीं हो रहा कि हमारे मेहमान हैं और हमें होने भी नहीं दे रहे। ज़रा सी कोई बात करते हैं कहते हैं नहीं हम कौन सा मेहमान है, नाराज़ होने लग जाते हैं कि हम मेहमान नहीं हैं। तो मतलब इसी हिसाब से सब मिलजुल कर खा पी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह पाक खुश रखे इनको भी। और बाकी जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, क्या हाल है मोड़ा आपका, ठीक बैठे हो, टीवी देख रहे हो? अच्छा, और अयान भी आपके साथ बैठा हुआ है, फरहान भी आपके साथ बैठा हुआ है। अम्मी सोई पड़ी है? अम्मी सो रही है। आपका बाबा बाहर चला गया है? सही सही, हाँ वो नज़र नहीं आ रहा, शानू नज़र आ रहा है और बाकी नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल सोए होंगे क्योंकि रात तो लेट तक हम जागते रहे हैं ना, तो इसी वजह से अम्मी सो गई होगी। रात हम जैसे साहब पिछली वीडियो में आपका वो बताया था कि 4 बजे तक जागते रहे, तो इसी वजह से ना फिर सुबह सुबह टाइम से उठे, फिर मतलब मेहमान उठ गए, हम भी सब उठ गए तो अपने अपने कामों में लग गए, फिर कुछ देर फ्री हुए मतलब 2:30 बजे 3 बजे फिर सो गए। तो इसी हिसाब से बाकी काम जो है हो रहे हैं। और इधर जी देखें, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, फ्रेश हो गए? अच्छा, अमीना से गपशप हो रही है? अमीना क्या बात कर रही हो? ये कहता है हाँ मिसबा को घेनो, हाँ ये मिसबा देखता है हाँ। अच्छा ये फिर जोकर बन गई? नहीं उतर गया ना। अच्छा ये मैंने आपका साफ करवाया था फिर वही लगा दिया? क्यों कौन सी भाभी? वो भाभी नहीं, भाभी बाहर बैठी है, भाभी की बेटी है ये। हाँ अच्छी बात करती है, अच्छी बात करती है, वाह जी वाह। चलो जी आप इसको पसंद आ गई, आप अच्छी बात करती हो माशाल्लाह। कौन ज्यादा अच्छा है, ईमान अच्छी है या अकबर भाई अच्छा है? बहुत अच्छी, सब अच्छे हैं, हाँ सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसने जो लिपस्टिक लगाई है ना वो देखें, टोटली फैली हुई है पूरे चेहरे पे, साफ भी की थी फिर से वैसे हो गई, चिपकी हुई है। आप दोबारा फिर पूरा जोकर बनोगी? वाह जी वाह। अच्छा अच्छा, उसको कॉल करके बता देंगे कि आ गया है अकबर भाई। हाँ ये बात भी सही है। चलो पूछे रहती कौन है कौन है कौन है देखते हैं तू सही करा है मौलवी के ऊपर इल्जाम, मरियम आएगी फिर लड़ पड़ेगी आपके साथ। इसने वीडियो देखी थी, वीडियो देख के उसी का बता रही है, वो वीडियो में लड़ा हुआ था ना ईद की खतीरों, तो फिर वही बता रही है। नन्हू वो मरियम का अबू है, उसके ना बाजू टूटा था तो ऐसे हाथ है उसका, वही बता रही है कि वो ऐसे करता है। उसका नाम गन्नी है, वो गन्नी है, नन्हू नहीं है, गन्नी है। नन्नू बना दिया सारा जी, तो टांग करे
नन्नू नहीं गनी है गनी हाँ गनी उसका अब्बू है गनी साहिबा ये साहिबा नहीं ये ईमान है हाँ ईमान पक्की हो जावे बेटे का बोला है ना कड़ाके ये वो कड़ाके जो उसके हो रहे हैं ना हाँ उसी का बोल रही है कि अल्ताफ भाई को गोली लगाओ बस अब ठीक है सुकून है अच्छा ये बताओ जो सिरप सिरप भाई ले हाँ रात भाई वाला सिरप जो लेकर आए थे आपने पिया था कुछ आराम हुआ अब ठीक हो फेफड़े वाली बार बार कर हाँ फेफड़े वाली हाँ नहीं अच्छा वैसे ना वो जो सिरप रात आप लेके आए थे उससे इसको काफी फर्क पड़ा है नहीं तो ये खांसती रहती थी लेकिन आज इसकी खांसी कभी कभी आती है माखी चटो कौड़ी बहुत है वाह जी वाह सही सही अमीना की बातें जो है ना ऐसे हंसी मजाक करती रहेगी अकबर भाई बड़े शौक से सुनते हैं अमीना की बातें वो लगे रहते हैं गपशप करते रहते हैं रात भी ऐसे बैठी रही 3-4 बजे तक वो भी साथ बैठी रही गपशप करती रही फिर इसको सिरप अकबर भाई लेके आए थे शरबत तो वो फिर इसको ना दिया इसको बोला कि अब तुझे सुकून आएगा सो जाओ फिर चली गई जाके सो गई और अभी जो है ना फिर से वही गपशप हो रही है अकबर भाई और उसके साथ हंसी मजाक कर रही है और सफाइयाँ जो है ना ये देखें इस कमरे की ना बिल्कुल सफाई हो गई है ये देखें बिल्कुल क्लियर ये फैज़ा ने की है अकबर भाई की भतीजी ने तो ये सारी उसी ने कर दी है ये देखें अब ये जो है ना इसको रिलैक्स मिला हुआ है ऐसे हाँ और परी जो है हमारी ये देखें परी सोई हुई है इधर सुकून में है और अम्मी जान को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अम्मी जान ये देखें अम्मी जान इधर सोई हुई है अबू जान उधर बैठे हुए हैं भाई वाले ऊपर हैं बाकी जो रूटीन है इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते हैं आपने रहना है साथ वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी मेहमान हमारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं मेरी परी उठ गई परी उठ गई हो नहीं उठी अभी सो रही हो हाँ जी ये परी अभी नहीं उठी परी कहती है मैं अभी सो रही हूँ चलो सो जाओ फिर सुकून से सो ही रहो जब नींद पूरी हो जाए फिर उठाना ठीक है हाँ अभी सो ही रहो कोई नहीं उठाता आपको बाल देखो इसके जिन बनी हुई है और अयान जो है इसने नहा लिया है अपनी जो इसकी पसंद की ड्रेसिंग थी वो आज पहन ली ये आपकी पसंद है ना सीधे होके दिखाओ लोग हाँ ये देखें जी ये जब लेने गए थे इसने खुद पसंद की थी ये वाली और ये इधर आ गया कौन हो तुम मैं हीरो पहलवान नहीं हीरो आते आते साथ मैं हीरो मैं हीरो अच्छा अच्छा दोनों हो बस 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 लड़ो नहीं मुर्गों की तरह लड़ जाते हो सही हो गया और जवेरिया माशाल्लाह जवेरिया आपने भी ड्रेस चेंज कर लिया ये क्या ऊपर नाड़ा डला हुआ है इसको क्या ये इसका स्टाइल है वाह जी वाह क्या बात है जवेरिया की माशाल्लाह गुड लुक थैंक यू गुड गुड वेरी गुड हाँ भाई कह दे आदम तुझे क्या हो गया क्या हो गया
ब्रेक लगा, बता क्या हुआ? हुआ क्या? ये कैद आजम के खानदान का है ना बाबा, बाबा कैद आजम जैसे दिखता था ये वैसे दिखता है ना, इसलिए ओ बस ब्रेक ब्रेक बस बस ऐसे ऐसे हंसते रहो, फिर मैं बंद कर देता हूँ। ओ मेरी अम्मा किधर गई थी? दे पतीले दे मान, अम्मी पतीले लेके आई है, ये देखें जी उधर से, ये इसके अंदर गुड़ वाले चावल बनाओगी? गुड़ वाले चावल? हाँ, वो कहते हैं अकबर भाई और सीमा भाभी कहते हैं कि हमें ना गुड़ वाले चावल खाने हैं। अच्छा। हाँ, गुड़ वाले चावल भी आप कैसे बनाते हो? हमने वो खाने हैं। हाँ, इसके अंदर ना जो कुछ दिल करे, जो कुछ दिल करे वो कुछ बना दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अम्मी ले आई है जी पतीला और इसमें ना गुड़ वाले चावल बनेंगे। ऊपर ऊपर हमने देख रही थी, ये देखें जी ऊपर का माहौल मौसम, यहाँ पे फिर से ना थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं और सूरज शरीफ वो खड़ा हुआ है हमारे, ये है सही, मतलब अब मध्यम मध्यम होता जा रहा है क्योंकि ये बादल बारीक बारीक बादल आ रहे हैं, इसलिए अब्बू जान जो है फिर अपनी टीवी को ना बंद करके इधर आ गए हैं। हाँ, वो थक गए, बस राज हो गया, नेट बंद हो गया। हाँ, वो लाइट चली गई थी ना, इस वजह से नेट बंद हो गया था, तो अब फिर लाइट आ गई है, चलाना है देखना है तो देख सकते हो। परी उठ गई हो अब या अभी नहीं उठी? अब उठ गई हो? मैं ऐसे कह रही हूँ उठ के तैयारी कर लो, कपड़े ले आई हूँ, अब कहती मुझे ना अभी मुझे सोने दो, अभी मुझे सोने दो। वाह मैडम साहबा वाह, अजी इसको सोने दो अभी, ये रात को फिर सारी रात नहीं सोएगी, अभी इसको सोने दो ऐसे ना। हाँ कहती है, हाँ चलो सो सोने दे इसको, कोई नहीं सोने दे, सो जा। ये दोस्तों अभी पहुँचा हूँ मैं दही वाली शॉप पे और इधर से लेते हैं दही, ये पर्ची मुझे मिल चुकी है और ये लें पर्ची जनाब, और मुझे दही चाहिए। और सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी गुजरी ईद? ज़बरदस्त बिजी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बिजी या इजी? इजी। हाँ इजी कहाँ, ईद का आपका तो बिजी डे था ना, हमारा इजी था, हमारा सुकून था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी दही ट्रे में होती है दही और उधर बाल्टी में होता है दूध, दही और दूध। और मलिक साहब आप इधर कैसे है? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ, ये मलिक साहब होटल वाले जिनसे होटल पे रोटियां लगवाते हैं, ये वाला बंदा सही हो गया जी, ये आगे जी दी, थैंक यू। हाँ चलो जी चलते हैं फिर घर, और दही वगैरह ले ली है, बाकी सामान तो वैसे भी ले लिया था, सिर्फ दही थी वो भी ले ली है। और हमारे चौक पे माशाल्लाह मौसम जो है ना वो ज़बरदस्त बन चुका है, ये देखें, और चौक पे हमारे चौक पे भी रौनक लगी हुई है, ये देखें ठंडा ठंडा मौसम है ना, हर बंदा इंजॉय कर रहा है। चलते हैं फिर घर, उधर जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, इमें कहना जप्पी नाल, हाँ ये है मेरी चाची, मुझे पता था वो चाची बोलूंगा ये गुस्सा करेगी, ये मां को केरे करना पीनु, अम्मा मेरी थई वदी है केरी कनी करना, और तो चाची की तू केर हिसाब से बनेना पई, मेरी बहन को सडना पई तो बे बोलना, ये चाचा दी घर वाली को चाची, या चाचा कौन लेनी? नहीं नहीं हां वो चाचा कब्बा से उठाऊंगा मैं उसको, अच्छा आपके लिए स्पेशल, अच्छा अच्छा वाल ए तो वाल उठा लेने तो वाल लिया खुदा भी काम में, ओ खैर क्या बात है, चाची कहते मेरे दूल्हे को ना निकाल के ले आओ, फिर कल्ली जब दिया, हां कल्ली नहीं, कल्ली नहीं हो, हम आपके साथ हैं, अल्लाह पाक की जात आपके साथ है, अल्लाह सही कहे, बिल्कुल अल्लाह पाक की जात आपके साथ है, हम आप पूरी फैमिली आपकी है ना, और ठीक हो? तबीयत ठीक है, खुश वदे हो, मौज लगी हुई है, ठीक है, मेरे वास्ते दुआ करें ना, नानी तेरे वास्ते गदे दुआ मांगे रानी, एक सारी दुआ मांगे, ओ खैरा ये मेरी चाची नहीं है मासी है, मैं मजाक कर रहा था इसके साथ, मासी मेरी अम्मी को ये बहन बुलाती है, हमारे इलाके गांव की है, तो मतलब अवले सवले रिश्ते हैं ऐसे, या पक्का रिश्ता है? पक्का रिश्ता, अबले सबले अबले सबले, जो कुछ नहीं चल रहा है क्या करी हुई है अब्बू, ये आपकी क्या लगती है रिश्ते में? पता नहीं ओ
ये नो क्या आख दे ए सोत्र थी ने बस वो कहती है मेरा सोत्र है ओ इंदी चलो ठीक है इधर ये वो खुद भेन लगती है हां ये चीज है कि अम्मा दा खेर पिता है बस फिर बात आ गई ना है? आपको पता नहीं आपकी हीर की बहन है आपको पता नहीं आपकी साली साहिबा है आपकी जो है ना साली आई है इसमें क्या उसका नाम पूछो उन्होंने अजीमा मेरी कोई साली आप याद रख लें आपकी अजीमा माई आपकी साली है हाँ हाँ सही है जी आप साली बन गई हो हाँ आप अबू ने मान लिया बैठे बैठे तशरीफ रखें और सुनाए चाय बोतल पानी रोटी खावना सावना तो खावने दे, पता ओ खैर बंदा चंगा है देखो जब जो चीज बोलो कहती है नो टेंशन मैंने खाना ऐसे बंदा होना चाहिए बस वो थोड़ा थोड़ा खाती है नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल कच्ची पेंसिल वो इसलिए कहते हैं ये सराकी की मिसाल है और हमें समझ भी नहीं आई अब वो आपको समझ आई वो जल्दी में बोला इसलिए समझ नहीं आई मासी फिर से बोलना मैं के पीने खीर नीवे दे अंदर वाले तीर हां हंडावे पट तो वो फट नहीं छूट दे अच्छा अब समझ आई हाँ आप बब्बू को थोड़ी समझ आइए हमें तो हमें ये पता है पी में खीर ते हंडा में पीर पी में खीर नहीं देती हंडा में पट नहीं छूट दे पट जली हेत तली हेत आखिर दी जनी गई थे अकबर भाई आपको समझ आई जख्म जितनी खावे वो कान को लगे उधर तो समझ कर हाँ सही हो गया बस भाई समझ गया तो बस फिर ठीक है वो मुझे ट्रांसलेट कर देगा ये तो है नहीं आप दो हैं नहीं तीन हैं आप हम दो जो है हम कहाँ गए हम तीनों भाई हैं ना आमीन 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 सही सही हाँ जी मासी की बातें जो है ना सराकी में होती हैं और ठोस सराकी जो हमें भी नहीं समझ आती क्योंकि हम इधर रहते हैं ना ये थोड़ा सा शहरी माहौल बन गया है गांव ये बिल्कुल हमारे गांव में रहती हैं तो ठोस सराकी बोलते हैं और ठोस सराकी जो है ना हमें भूली हुई है सिर्फ अब्बू को समझ आती है या अम्मी को समझ आती है हमारे तो सर से ऊपर चली जाती है ऐसे हाँ चल यार तेरी क्या आ गई नानी नानी ओ सज्जन आ गए सज्जन सज्जन मैं नखी ठहरन चल हाँ कल मिले थे ना कल उधर मिले थे हाँ कल उधर मिले थे तो इसलिए तो कह रही है कि मैंने बोला ना आई थी एक बार आई थी हाँ हाँ आई थी माह रमजान में अम्मा आपका रांझा कहता है मेरी तो साली नहीं है आप कहती हो मेरी बहन है सही सही माशाल्लाह क्या बात है जी रौनक लग गई हमारे यहाँ बुजुर्ग एक और आ गया है और माशाल्लाह से बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं ना तो अब रौनक और लग जाएगी गपशप होती रहेगी अकबर भाई वाले पहले भी इधर ही हैं उनकी फैमिली माशाल्लाह से है गपशप हो रही है एंजॉय कर रहे हैं और खाने वगैरह भी इंशाल्लाह आप रेडी होंगे और तैयारियां भी सब कर रहे हैं क्योंकि सो गए थे कुछ देर रेस्ट किया और खाते पीते रहे तो इसलिए अब जो है सब तैयारियाँ वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं फिर खाना पीना होगा जो चीज़ होगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे और मेकअप भी कर लिया वाह जी वाह अमीना ने मेकअप भी कर लिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ईद मुबारक खैर मुबारक ये तो रोजे ने ब्याह रोजे ने ब्याह खैर मुबारक खैर मुबारक सलाम दुआ तो कर लो अस्सलाम वालेकुम आगे
वेरी गुड वेरी गुड आगे बोलो नंबर दो टेलीफोन आ जाता है वेरी गुड नंबर दो टेलीफोन आ जाता है सही है अब ओके हो अब आपका मेकअप हो गया है आप खाना तो नहीं खाओगी ना खाना अलिशा को देखो क्यूटी बनी हुई है जूता कहाँ है नहीं पहना परी आपकी वजह से रो रही है देख लो परी रो रही है परी क्यों रो रही है दूध हो गए आ जा इधर आ गया परी आ जा क्या हुआ ये नहीं पी मेहमान अखबार भी पी लिया हाँ ठीक हो गया ये देखें जी वसल बैठ ओ भाभी बैठी है और ये वसल पड़े हैं बैठे हैं और ये धनिया बैठा है और ये भाभी बैठी है आपको मैं बसल लग रही हूँ प्याज 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 फायदेमंद होता है ना इतनी सा प्याज होता है तो इतनी बड़ी आपकी भाभी प्याज जितनी वो मैं कह रहा था ये प्याज है वो फिर ऐसे किया कि ये प्याज बैठा है और यहाँ पर भाभी बैठी है वो उल्टा हो गया भाभी जो है ना कटाई हो रही है कटाई कर रहा प्याज भाभी को कटाई कर रहा है हाँ ये चीज है और मसाला जो है काट रहा है ये सलाद के लिए या दूसरा है नहीं वो चिकन चिकन के लिए गुड हो गया सलाद के लिए कुछ देर में कटेंगे खराब हो जाते हैं सही सही चलो जी माशाल्लाह से इधर जो है ना भाभी मसाले काट रही है और मेरे ख्याल से तो मैं काफी देर का ही देख रहा था और आगे जो है ना यहाँ पर चावल बैठे हुए हैं ये कच्ची कैनात हम ये वाली पकाते हैं कोई बांसपति बोलता है कोई कच्ची कैनात बोलता है और यहाँ पर जो है सरदार उतेरी ये कौन है ओए नहीं ओए बदली हो गई ओए अम्मा मेरी बेगम कहाँ गई ये कोई और आई हुई है इधर बोलो बोलो मेरी बेगम पीछे चली गई सच में सलमा हो जी। अच्छा सच बताना भाभी आप बताना ये सलमा आज जापानी लग रही है या नहीं लग रही जापानी जापान वाली लोकी चेंज होगी सारी वाह जी वाह सच में चाइना वाली लग रही है ये बताओ मैं आपको कैसी लग रही हूँ मैं कहता हूँ एकदम मस्त जबरदस्त वीआईपी वेरी गुड ब्यूटीफुल सो क्यूट माशाल्लाह हाँ अब क्या करना है अब पूछा था मतलब पूछा है कैसी लग रही हूँ मैंने बता दिया आप अगली बात कोई नहीं बस मैंने पूछना था पूछ लिया अच्छा हाँ नहीं वो मुझसे सिर्फ पूछ रही है कि आप बताओ कैसी लग रही हूँ उनसे नहीं पूछ रही हाँ तो प्यारे बहन भाई आज हमारी ये वीडियो देख के ना ये जरूर बताना है कि मेरी जो है ना क्या कह रही है अच्छा इसका पूछने का स्टाइल देखा है ऐसे कर रही है आज बहन भाइयों आज जो है ना मुझे बताना है ऊपर पता नहीं क्या देख रही है ऊपर नहीं देख रही इधर देख रही हूँ हाँ, तो प्यारे बहन भाइयों मैं कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही हो चाइनीज लग रही हो चाइनीज नहीं चाइना वाली जापान वाली वैसी लग रही हो अच्छा बाहर के मुल्क की गोरी लग रही हो मैं चली जाऊंगी बाहर नहीं बाहर नहीं जाना इधर रोटी कौन पकाएगा मुझे यहाँ पर यहाँ मुझे रोटी कौन देगा आपके अलावा मुझे रोटी नहीं मिलेगी फिर नहीं क्यों नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी होटल वाले वो जो आप पकाती हो वो तो नहीं मिलेगी ना ये है जी इधर प्याज ब्राउन हो रहे हैं और क्या बन रहा है ये गुड़ वाले चावल गुड़ वाले ये कैसे प्याज में गुड़ वाले चावल देखना कैसे बनते हैं यार सच बता सच बता रही हूँ ये प्याज जो है ना ये गुड़ वाले चावलों में प्याज देखना कैसे बनते हैं अम्मी से पूछ रहे नहीं ये क्यों गुड़ वाले चावल में प्याज का तड़का कैसे लगता है हाँ वो चने की दाल देखी है लेकिन ये प्याज वाला जो कंबाइन है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ अच्छा ओ जी फिर देखते हैं हाँ ये सच में पहली बार ऐसे कर रही हो या पहले भी ऐसे बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं अब इसको जो है ना ये थोड़ा ब्राउन होंगे ना फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे फिर जब पानी उबलेगा गुड़ डाल देंगे चावल डाल देंगे फिर जब इसको दम पे लगाएंगे ना तो ये प्याज की जो खुशबू होगी ना फिर आप देखना अच्छा
अम्मा, ओ मेरी सोनी अम्मा, प्यारी कहाँ रही? हाँ जी, माशाल्लाह। वो ये गोड़ वाले चावलों में ना प्याज काट रही है। ओ गोड़ वाले चावलों में प्याज कटी नहीं, मजे दे पड़ दें। अच्छा, हैं अब इतनी परेशान हो रहे। सच में मैं आज पहली बार देख रहा हूँ जबकि हमारे घर पकते हैं। ऐसे काफी दिन हो, काफी अच्छा हो गया हमने नहीं बनाया। हाँ ये तो मुझे पता है कि हमारे घर में पकते हैं, लेकिन ये आज पहली बार देख रहा हूँ कि प्याज वाले होते हैं। प्याज वाले प्याज यहाँ पर भुनाई ब्राउन अभी नहीं हुए, अभी रह होते हैं। हाँ अब देखो, एक अम्मा जापान की गोरी और ये जापान की उसकी बहू, सब कहते हैं मैं अम्मी की तरह हूँ। हाँ अब दोनों, अब देखो अब लोग तो चेंज हो गई है। लोग मजे की बात बताऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ ना सब कहती हैं आप जो है ना खाला, इस अम्मी को कहते हैं ना खाला जमाला। हाँ। तो सब कहती हैं आप खाला जमाला की बेटी है, मैं कहती हूँ नहीं मैं उसकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ। सब ऐसे ही बोलते हैं कि आप जो है ना खाला जमाला की बेटी है। ओ खैर क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया फिर तो माशाल्लाह जी। अच्छा वो मुझे ना अकबर भाई बोल रहा है कि मैंने सिटी जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है, मतलब ऐसे घूमने के लिए जा रहा है। अच्छा, तो मैं फिर उधर जाता हूँ उसको थोड़ा घुमा फिरा ले आता हूँ। मैंने कहा फैमिली के साथ चलेंगे सब, वो बोलता है वो फिर बाद में चलेंगे, अभी मेरे साथ चलो, शायद उसको कोई काम होगा। चलो फिर ऐसा करें ना, हम मोबाइल भी, हाँ उठाना है यार आपका मोबाइल भी तो उठाना है, मुझे भूल गया था। मोबाइल ले आओ, मैंने बात करनी है। आपका मोबाइल भी ले आता हूँ। और भाई वो रात को तो जाएंगे वो मोबाइल मार्केट बंद हो जाएगी, फोन करेंगे मोबाइल बंद है। आपकी सिस्टर भी बहुत परेशान होगी कि सलमा कहाँ चली गई। नहीं वो उसको पता है, वीडियो देख रही है ना। हाँ। तो वो जब भी ऐसा माहौल होता है मेहमान आना जाना। हाँ, सबको मैं भी बताता चलूँ, सब बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दूँ कि जो कॉलें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मेरे नंबर पे भी, उसके नंबर पे भी, ये देख लें हमारा इतनी बिजी टाइम चल रहा है कि वीडियो के हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कितनी मसरूफ जा रहे हैं। वीडियो भी हमारे टाइम पे कितनी, चार चार बजे और रात के तीन तीन बजे वीडियो आ रही है, मतलब हम मसरूफ इतनी हैं। आप लोगों को पता है जब मेहमान घर में आए ना तो फिर उन्हीं को देखना होता है, फिर हम कहते हैं कि मेहमान घर आए और हम अपनी वीडियो में लगे रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है हम रिलैक्स होके मेहमानों को खिला पिला के सुकून से बिठा के उसके बाद मैं वीडियो में भेजता हूँ। तो अभी जो है आप सबने नाराज़ नहीं होना, माजरत के साथ मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ यही है कि जब तक हमारे घर मेहमान हैं तो आप लोग नाराज ना हों, सिर्फ हमें बर्दाश्त करें सिर्फ कुछ दिन के लिए। जैसे वो हमारे मेहमान चले जाएंगे उसके बाद फिर प्रॉपर जैसे वीडियो आती है वैसे आएगी। ऐसे हो गया? हाँ जी। हाँ चलो जी, फिर ये वीडियो जो है ना आगे आप जितना भी हो सके बनाती रहना। मैं अकबर भाई को लेके जाता हूँ खानपुर। हाँ, हाँ, और उधर से आपका मोबाइल भी लेके आना है, बाकी काम भी करने हैं। हाँ, सही है, आप जो है ना उधर से हो आए। हाँ। भाई को भी घुमा फिरा आए। हाँ। और हम जब तक खाना रेडी करते हैं सही हो गया, फिर आएंगे ना फिर खाना खा के फिर वो बस बच्चों को आइसक्रीम आइसक्रीम खिलानी है। मैंने सोचा वो अहमद को, मैं अभी अहमद को अभी बोला है, मैंने कहा यार गाड़ी जो है ना रेंट वाला आजकल कोई गाड़ी भी नहीं दे रहा। वो कहता है भाई हमारी गाड़ियाँ चाबी पे गई हुई हैं, तीन तीन चार चार दिन के लिए। वो अहमद भाई की गाड़ी आ जाएगी ना। हाँ। अभी शाम को फ्री होगी ना। हाँ। फिर हम ले वो वसूली से आ जाएगा। वो कहता है मैं वसूली से अभी मैं गया हूँ, कहता है अबू मेरा गया है वो बस पहुँचने वाला, वो जैसे आता ले जाना। तो फिर वो मैं वो ले जाऊंगा, चलो हमें एक रेंट बढ़ जाएगा, बच जाएगा, रेंट से बच जाएंगे और सबको घुमा फिरा ले जाएंगे, यानी आइसक्रीम खिला के आ जाएंगे। सही हो गया, चलो जी मिलते हैं फिर, ये मिलेगी, मैं भी कुछ देर में आता हूँ भाई को घुमा फिरा के ले आता हूँ। फैमिली जो है ना, मैं जो चीज़ बना रही थी तो एक चीज़ जो है ना मेरी अब रेडी होने वाली है, बस थोड़ी सी देर है, वो भी आप लोग को जो है ना दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है ना दूसरी कढ़ाई भी रख दी है, क्योंकि आप ही जो है ना मसाले काट रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले जो है ना मैं गुड़ वाला चावल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चिकन बनाऊँगी, चिकन कढ़ाई बनाऊँगी। तो इधर देखें आप ही जो है ना अब आटा गूँध रही है, तो मसाले कटाई कर दी है, अब आटा गूँध रही है। आटा गूँध के ना ये जो है ना हमने हम तंदूर से रोटी लगवाते हैं, क्योंकि तंदूर की रोटी जो है ना इतनी गर्मी और ठंडी होती है ना, फिर हम तंदूर से रोटी लगवाते हैं। सही हो गया। तो अभी जो है ना मिसाले मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये मिसाले, ये टमाटर और हरी मिर्चें, और ये हमारे प्याज हो गए हैं, सब्ज़ धनिया भी हो गया, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना दिया, ये दही है जो मैं डालूँगी, और ये तो गुड़ रखा है, और ये चिकन है वो हमारा जो है ना फ्रिज में पड़ा है, अभी उसको भी धुलाई करते हैं। और इधर जो है ना मैं दिखा दूं कि मेरी दूसरी जो पहले वाली रेसिपी थी वो कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह ये देखें, ये हो गए मेरे गुड़ वाले चावल, ये देखें अभी बस थोड़ी देर में ना इसको दम पे लगा दूंगी,
खुशबू तो अच्छी, खुशबू आ रही है ना, खुशबू बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह। हाँ शपेशा भी बोल रही थी गुड़ वाले चावल, भाभी ने ना मेरी फरमाइश पे गुड़ वाले चावल। हाँ ये आपकी फरमाइश है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और जो है ना बस आज जो है ना मेरी मतलब भाभी भी होगी और मेरी सिस्टर भी होगी आज, एक फरमाइश ये जो है ना ये मेरी मतलब के भाभी की है और ये जो दूसरी बन रही है ना ये मेरे भाई की है, अकबर भाई की। हाँ बहुत पसंद आई ना, दोनों भाभी ने बनाई थी जिस दिन हम आए थे ना उन्हें, तो इतनी पसंद आई वो कहते मैं सारे बाहर के खाने भूल गए। हाँ बस मैंने वही खाने, वैसे ना पहली बार आ रहे थे ना तो मैं ना ऐसे सोचती थी मैं खाना मतलब मैं ये सोचती थी मैं मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो मैं कहती पता नहीं मैं खाना बनाऊंगी आप लोगों को पसंद आएगा नहीं, आप लोगों की भी नहीं थी टेंशन, मुझे भाई की थी कि भाई जो अच्छा ना वो अच्छा हो जा माड़ा हो वो बात नहीं होती, हम इस चीज पे परेशान थे पता नहीं मिर्चे नमक कैसे खाते हैं, कोई कम खाते हैं कोई तेज खाते हैं, ये वजह। हाँ ये वजह थी। और दूसरा जो है ना जैसे ही मैंने खाना बनाया माशाल्लाह आप लोगों को भाई को सबको बहुत पसंद आया। हाँ लेकिन चावल भी रखे थे लेकिन हाँ लेकिन भाई जो है ना भाई अकबर भाई बोलते हैं कि मैं जो है ना होटलों बड़े बड़े होटल के खाने खाए हैं और हर किसी के घर में जैसे जाते हैं रिश्तेदारों में दोस्तों में उधर भी खाए हैं, लेकिन उस दिन जो हमारी ये कढ़ाई गोश्त जो बना था ना तो इतनी ज़बरदस्त बना के भाई को बहुत पसंद, बोला कि ऐसा जो है ना मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं खाया मतलब किसी के भी दावत पर नहीं खाया, तो इसलिए जो ना आज मैं दोबारा वही बना रही हूँ भाई के लिए स्पेशली। भाई ने बोला और मुझे कोई चीज नहीं खानी बस मुझे ना यही बना के दो, और बना रहे थे और अपनी भाभी को भी सिखा दो वो भी आगे, मेरे को अब जो है ना यकीन हो रहा है आप लोग घर जाएंगे ना तो भाई आपको बोलेगा जैसे सलमा बहन बनाती थी ना वैसे बना के। सही सही और बने ही बहुत मजे का अच्छा था ना। हाँ क्योंकि एक चीज होती है ना मतलब वैसे तो मतलब आप बनाते रहते हो खा जाते हो लेकिन एक उसमें ना हर मसाले का टेस्ट हाँ जी हर चीज का टेस्ट बहुत जबरदस्त। हाँ सही चलें जी अभी जो है ना मेरा घी गर्म हो चुका है इसमें प्याज ऐड करते हैं। हमारे प्याज जो है ना ये ऐड हो चुके हैं और इधर देखें इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स करके ना पहले इसको दम पे लगा देती हूँ, ये देखें अब ये इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो उसके बाद जो है ना दूसरी ये बनाते हैं और रहना है बिल्कुल साथ, वीडियो जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और ये दूसरी रेसिपी जो बना रहे हैं ये भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये रेसिपी आप लोग सब जरूर देखिएगा और जरूर बनाइएगा आप लोगों को भी बहुत पसंद है। हाँ जी सही सही अभी जो है ना मैं जो दूसरी डिश बना रही थी वो भी मेरी अब बन रही है, बस थोड़ी सी देर है थोड़ी सी देर में वो तैयार हो जाएगी, और जो दूसरे जो मीठे चावल थे मैंने उनको दम पे लगा दिया था और वो भी मुकम्मल से बन गए हैं। अभी ये देखें जी इसके जो है ना मैंने पूरी जैसे मैंने बनाया वो तरीका नहीं शेयर किया क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबी पहले से बन चुकी है इसलिए, तो बस मैंने जो है ना इसे मैं के थोड़ी थोड़ी ना इसकी लुक चेक कराती रहूँगी और माशाल्लाह से ये देखें ये हो गए मीठे चावल, ये देखें बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये हो गए ये पक रहा है मेरा। इसमें जो है ना मैंने ऐसे किया पहले जो है ना मैंने घी गरम किया और उसमें प्याज ऐड किए, जब प्याज ब्राउन हुए तो फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया धुलाई करके उसको ऐड किया, फिर थोड़ी देर उसकी भुनाई करती रही, जब उसका पानी खुश्क हो गया फिर मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो टमाटर हरी मिर्चें फिर वो नमक और दूसरी लाल मिर्चें थोड़ा सा गर्म मसाला और ये आहिस्ता आहिस्ता डालती रही और उसको भूनती रही अच्छे से उसकी भुनाई करके ना, फिर मैंने आखिर में मैंने दही डाली थोड़ी सी दही डाल दी और जब दही डाली तो उसके बाद भी फिर थोड़ी देर मैंने भुनाई की और जब वो अच्छे से मिक्स हो गई फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी है अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ये पानी जब इतना शोरबा तो नहीं बनाएंगे ना इसको, तो जब ये पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर मेरी जो है ना ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त है, तो मेरे अकबर भाई को जो है ना बहुत पसंद आया इसलिए उन्होंने बोला बस मुझे ना बस सलमा बहन आप यही बना के खिलाना है मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए जो है ना
आज उसके लिए जो है ना स्पेशली उसकी फरमाइश से बना रही हूँ, क्योंकि जब वो आए थे पहले दिन मैंने जो बनाया था ना उसको बहुत पसंद आया था, तो इसलिए जो है ना दोबारा उन्होंने बुलाया है और मैं दोबारा उसके लिए बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाए आज भी, तो वो भी जब खाएंगे वो भी शेयर करेंगे, सबसे पूछेंगे, भाई से भी पूछेंगे, वो भी खाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कैसा बना है और उन सब ने बताना है। बाकी जो है ना अभी ये बन जाए तो फिर जो है ना वो अब अल्ताफ हसन और भाई चले गए हैं बाहर, उसको भाई को घुमाने पिलाने घुमाने लेके गए हैं, और वो जैसे ही वापस आते हैं फिर हमारा खाना भी माशाल्लाह तैयार हो गया है, तो बस फिर दस्तरखान लगाएंगे फिर खाना खाएंगे। तो रहना है बिल्कुल साथ, अभी जो है ना सब उधर कमरे में बैठे हैं गपशप लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इधर बस, बाकी सब चीज़ें तो मेरी बन गई है, बस थोड़ी सी बस ऐसे पाँच मिनट बस मेरे जो है ना इस डिश को देर है, पाँच मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ये भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो ओके हो गया, फाइनली जो है ना हमारा दस्तरखान लग गया है, और अभी जो है ना भाई और अल्ताफ से नहीं है, मैंने अभी भी कॉल किया है, उन्हें बोला हम 10 मिनट में आ जाते हैं, तो बच्चे सो रहे थे और अबू भी थक जाते हैं ना सारा दिन बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा बच्चों को और अबू जान को अम्मी को सबको, वो जो हमारी खाला जी आई हुई है उसको, उन सबको खाना दे देते हैं, ताकि हम जो है ना थोड़ा सा वेट करते हैं और बाकी मेहमान भी बैठे हैं, फिर वो आ जाएंगे तो फिर हम एक साथ जो है ना खाना खाएंगे, सही हो गया। तो अभी जो है ना मैं इसकी लुक चेक कराती हूँ, ये देखें। हाँ जी बेटा, और ये हो गया हमारे गुड़ वाले चावल, ये देखें माशाल्लाह। अभी देते हैं सबको खाना और फिर मिलते हैं। मम्मी मैं कल पालूंगी। मैं कराया पशी बन जाए भाभी इधर से दे दे, हाँ जाओ उधर से दे दे। परी बस कर दो, अब कितना डालोगी? अब डालूंगी, अब बस कर दो ना बेटा, हाथ से भी कर रही हो, चमचे से भी कर रही हो, पूरा जोर लगा रही हो। हाँ अब आपको बहुत है, आप इतना ही खाओगी, बस कर दो। माशाल्लाह जी, मेहमान जो है बैठ चुके हैं और खाना भी रेडी हो चुका है, और हम लेके आए हैं बिरयानी, स्पेशल शम्मा बिरयानी, और साथ में चिकन बना हुआ है, और चावल आपने भी बनाए हैं ना गुड़ वाले? हाँ, गुड़ वाले चावल भी बने हैं, और हमारी जो वो देखे मैडम साहबा वो सबको दे रही है, मुझे प्लेटें दे दो, हाँ। सबके लिए मैंने चावल डालने हैं, सबको देने हैं। अच्छा, परी तो फिर वो बन गई है, प्लेट डाल के दे दी है। अच्छा सही सही। हाँ भाईजान, आप लोगों ने खा लिया? अच्छा बैठ रहे हो। मासी, ओ मासी, रोटी खा के दिए? कुरबाश अम्मी आपने नहीं खाई? अब्बू ने अच्छा चलो जी माशाल्लाह, अम्मी की तबीयत थोड़ा सा अपसेट है, पता करते हैं, बाकी अब्बू ने खा ली है, वो मासी जो आई हुई है उसने भी खा ली है। मासी आप लोग बोलो काम वाली नहीं कर, हमारी माँ की बहन मासी होती है। तो इधर जो है बाकी मेहमान सब बैठ चुके हैं, सबको देते हैं खाना, और वीडियो का भी एंड करते हैं सलमा। हाँ
तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज सलमा, अल्लाह हाफिज। हाँ परी, अल्लाह हाफिज बोलो। कैसे बोला? पाकिस्तान जिंदाबाद वाला, वो वाला बोलो। पीछे खाना है, पाकिस्तान पीछे खाना है। हाँ बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीना आप? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।